मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ओ भाई तो छह छह तावीज चल रहे, उन्हें सुलगाने में लग गया और कई तावीजों से घर उजड़ गए। कह रहा हुजूर बीवी कतई फरमाबरदार नहीं है जी। तो पीर साहब को तो खुद सीरत याद नहीं हुजूर की, वो तुम्हें क्या बताऊंगा। उसे तो दो ही बातें याद है कि वो क्या नाम है मजमूए हमाले रजा, ऐसी कुछ तावीजों की छपी छपाई किताब आती है ना, रजवी तावीजात है, ऐसे तावीजात आते हैं, फाड़ के दिया। कह रहा इसे तकिए में रख दिए, इसे पेड़ पे लगा दिए और इसे उस पे लगा दिए। मेरे भाई सुन, जब तक तावीज नहीं लाया था खाली लड़ाई हो रही थी जी, तू तो मैं हो रही थी। तावीज आया घर में तो तकिए के नीचे पीर साहब ने पहले ही कह दिया था, रख दिया पेड़ पे टांगा। बीवी ने कही ये क्या, कही इसलिए लगाया कि बरकत उतरेगी। बेचारी सीधी थी, कुछ नहीं कही। बाजू में देखा ये क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, दिल घबराता, दे झूठ पे झूठ, दो झूठ तो हो गए दो तावीजों के सदके में जी। अब उसे शक हो गया कि ये कल तक तो एक भी नहीं था तावीज, आज दो लटक रहे, एक पेड़ में एक बाजू में, लग रहा मुझे कुछ करवाया जी। औरतों की बहुत तेज दिमाग चलता है, कुछ करा दिया। हक बात है, समझो मेरे बेटे मेरी बात को जी। कई घर बर्बाद हो गए इसमें। और कहते हैं मौलवियों को क्या आता है, बेटे हमें वो आता है जो साइंसदानों को नहीं आता है। बेशक बेशक, हक बात है। ये मत कहना मौलवियों को क्या आता है, मौलवी हुजूर के वारिस हैं जी। बेशक, सुने बहुत गौर से। तीसरा तावीज तकिए के नीचे, सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन झाड़ता है, बीवी के तुम। बीवी बोलो, वो तो बोले जिनकी है, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं। बीवी झाड़ती है, औरतों का काम होता है बिस्तर की सफाई, घर की सफाई। जैसी सुबह उठ के बीवी ने ना तकिया झाड़ा, एक तावीज सीधा सामने, और तकिया भी बीवी वाला जी। कहती 100% मुझे करा के लाया, करा के लाया। अब तक तो खाली बातों का झगड़ा था, अब जूतों का झगड़ा शुरू हो जाता। फिर कहता 100 से 50 ही अच्छे, 2 से बेदो ही अच्छे, तावीज से बेतावीज के अच्छे। ओ भाई, अगर घर में बीवी में मियां में झगड़ा हो रहा है ना, तो फिर खातून ने जन्नत के किस्से सुनाया कर। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की दास्तान सुनाया कर। सुभान अल्लाह, अगर मियां बीवी में बन नहीं रही, हजरत आयशा सिद्दीका की दास्तान बताया करो। सुभान अल्लाह, सच्चे बाप की सच्ची बेटी की हिस्ट्री सुनाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, दस्तावीजों से वो असर नहीं होगा जो मदीने वाले की बातों से घर में असर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, समझ रहे मेरी बात जी। हाँ, तो बेड़ा ही गरक हो गया हमारा जी, बेड़ा ही गरक हो गया, ठेके लिए बैठे। अब तो कह रहा मेरा मुरीद करा 10 करा दे, इलाका तुझे ही सौंप दूंगा। पीरा मुरीदी में दलाल, तो पहले पीरों को फुर्सत नहीं मिलती थी, अब तो पूछ रहा कोई बच्चा है नया घर में, कहा क्यों, तो उसे मेरे दामन में डाल दे। क्यों, किस मुसीबत नहीं है, मुसीबत सबसे बड़ी तो तू है हुजूर, और तुझसे बड़ी मुसीबत कौन होगी। पीर ऐसा तलाश करो को जो रिश्ता हुजूर से जोड़े जी। बेशक, जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखता हो, हाय हाय सुभान अल्लाह, ऐसा पीर तलाश करो। समझ रहे मेरी बात, ऐसा पीर तलाश करो। तो कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक। हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है, तो मैंने कहा था अगर दुख आए ना तो पहले कहते हैं डॉक्टर को, हाय डॉक्टर, वो मना कर दे, फिर कह रहे हाय रे मियाँ, फिर मियाँ के तावीज से भी कुछ नहीं होता, फिर जब मरने का नंबर आता कहता हाय अल्लाह, जो नाम सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे आखिर में आता बाद में आ रहा है जी। काश दर्द के पहले झटके पे तूने रब को आवाज दी होती, खुदा की कसम उसके नाम में इतनी बरकतें हैं, शायद तुझे दवा की जरूरत नहीं मिल पड़ती, खुदा अपने नाम के पुकारने के सदके में तुझे फौरन शिफा अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, महबूब अलैहि सलाम से कहते हैं रसूल अल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र करके खाते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। सब्र कर, ठीक है जी, मिले तो शुक्र अदा करें। सुनो मेरे बच्चों, ये खामोश तंगी होगी जगह में, मगर आज अगर कोई किसी के नीचे दब भी जाए ना तो माफ कर देना जी। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिनके पास नहीं है वो सब्र करने तैयार नहीं, और जिनके पास है उनके शुक्र के अंदाज बड़े निराले जी जी। बेशक, एक तो ये कह रहा तारीख दे दो वरना लोंडे जो है ना
डीजे बजाने कह रहे हैं, डांस कराने कह रहे हैं, दे दो वरना 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 डांस होगा। क्यों भाई, तू उम्मती नहीं है हुजूर का, खाली हम ही है जी, हमें ये धोस देते हो, तुम आओगे तो वरना ऐसा करेंगे। अल्लाह, क्यों तेरे पास पास है कि तू नचा के बच जाएगा, हम ना के फंस जाएंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी गलत बात है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी ना कर जी जी। अल्लाह ने पैसा दिया तो 1 लाख का डीजे करके दुनिया के कान ना फोड़। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है ना, अपनी बेटी के साथ दो गरीब की बेटियों के हाथ पीले कर ले। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह रहमतों की सौगात उसके दरवाजे पे पहले उतार। सुभानअल्लाह, बहुत खूब पैगाम है, इसे अमीर कहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। पैसा आगे कह रहा, लोंडे ना सुनते मौलाना जी, लोंडे ना सुनते। क्यों, तू अब्बा उनका, वो तेरे अब्बा है। हमारे यहाँ तो आज भी लोंडे सुनते हैं अपने बाप जी, बेशक लड़के आज भी ताबे हैं अपने बाप के। लड़के नहीं सुनते, मैंने तो मना करी थी यार, शादी किसकी मर्जी से हो रही है ना, वो मेरी मर्जी से हो रही है। यही बात, रिश्ते की बात किसने की थी, कि मैंने। लड़की कौन देख के आया था, कि हम। दावत है किसकी मर्जी से हो रही है, कि हमारी। सारा काम तेरी मर्जी से हो रहा है और डीजे बैठे की मर्जी से बज रहे। तू खुद बहुत बड़ा इबलीस है जी। हाँ झूठ है ये उलमा किस किस के घर जाएंगे बताओ जी, किस किस के घर जाएंगे। ये कमबत तमीजी नहीं है। अभी एक आलिम दीन ने किसी अमीर के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाया तो उसको मस्जिद से निकाल दिया गया। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये इस्तेमाल। मरने की देर है मेरे लाल, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कोई आंसू पोछने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर जी, सही इस्तेमाल कर। यही ताकत अगर तूने बेटे पे लगाई होती, तेरे घर में नंगा डांस नहीं हुआ होता। जी जी, अभी बहुत खूब कह रहे थे, बेटे की शादी होती है, बेटियां नंगी नाच रही हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, और पूरी कौम ये रो रही है कि बेटियां बेगैरत हो गई हैं। किसकी बेटियां, या तो तुम्हारी हैं या मेरी हैं जी, और रो भी हम रहे हैं। बिल्कुल हक बात, बेटियां भी हमारी हैं तो सवारेगा कौन। हम मौलाना, हम खुद सवारेंगे, खुद सवारे। अगर मैं अपनी बेटी को संवारने के लिए किसी और को बुलाऊं तो मुझसे बड़ा ना मर्द कौन है जी। आप मर्द हो ना तो अपने घरों के पहरे मजबूत करो, अपनी बेटियों की तरबियत मजबूत करो, उन्हें तालीम वो ना दो जिस तालीम के बाद शोहरतें तो मिलती हो लेकिन जिल्लतें भी मुकद्दर हो जाती हो। तालीम देनी है तो वो दो जिसे लेने के बाद यहाँ इज्जत मुकद्दर हो जाए, मरने के बाद जन्नत तुम्हारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आज ना ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे इन्होंने भी तकरीबन वो दौर देखा होगा जी, जो मैं बात करने लगा हूं। हुजूर के जमाने में ना, हुजूर के जमाने में जब औरतें रास्ते में चलती थी ना, मेरे महबूब ने इतना फरमाया था कि औरतों को हुक्म है कि वो रास्ते में किनारे होके चला करें। तो इस हुक्म के बाद ना औरतें मदीना शरीफ की ऐसे चलती थी दीवार से लग के उनके कपड़े तक फट जाते थे। आज तुम हटो तो हटो वरना औरत हटने तैयार नहीं जी। किसके घर की औरत है, हमारे हमारे घर की है ना जी। अरे बोलो ना, हमारे घर की औरत है ना जी जी, जो रास्ता घेर के चल रही है, हमारे घर की औरत है। एक बात बताओ, हर नौजवान चाहता है कि मेरी बीवी जी, मेरी बीवी अपने वक्त की राबिया बसरिया हो जी, बहुत अच्छा, और मेरी बेटी की लाइफ एकदम फ्री हो। ये कितना धोखा है हम अपने साथ कर रहे हैं। अच्छी बीवी की उम्मीद करते हैं और अच्छी बेटियों को नस्ल को परवान नहीं चढ़ाते जी, बेहद अफसोस है। तकरीर सुनेगा बीवी से जाके कहेगा, सुना मौलाना कितनी सख्त बात कही, पर्दे पे पर्दा करिए जी, और लड़की को बिना दुपट्टे का फ्रॉक ला के दे रहा। बेहद अफसोस है। ईद में जाना पड़ता है, आम खास सबको मार्केट जाना पड़ता है, हमें तो बड़ी दिक्कत होती है मार्केट जाते हुए भी। 10 मिनट का काम हो तो 2 घंटे लगते हैं, मगर मजबूरी है फिर भी जाना पड़ता है।
बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो सारे नंगे नंगे कपड़े। हाँ, 8 साल 10 साल तक की बच्चियों के आधे आधे कपड़े किसकी मार्केट में बिक रहे हैं? मुसलमानों की। मुसलमान किसका त्योहार है? मुसलमानों का। खरीदने वाले कौन है? मुसलमान। मुसलमान कह रहा मौलाना बेटी भाग गई, ऐसा तावीज दे दो जो फजर से पहले पहले आ जाए। जी बताइयो मत, वरना इज्जत चली जाएगी। यही तो कहते हैं ना। जी हजरत जी, बताना मत, किसी को पता ना चल जाए 12 बजे से गायब है, इज्जत चली गई। मुझे हैरत होती है यार, आज बेटी भागी है, कह रहा है मुंह में बात रखना, बाहर चली गई तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा नादान भूल गया, इज्जत तो तेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के कोई आया था। तेरी बेटियों ने इस्तकबाल के नाम पे सरों के दुपट्टे उतार करके खैर महरमों के आके नंगी आके खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब बदमाशों के सामने बेगैरत खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन चला गया था जब तेरी बेटियों ने गैर महरम को जूस पिलाया था, उस दिन इज्जत चली गई थी। जब तेरी बेटी ने गैर महरम को शरबत पिलाया था, इज्जत उस दिन चली गई थी। काश तूने उस दिन बेटी पे पैरा मजबूत किया होता, उस दिन भी इज्जत बाकी रहती, आज भी इज्जत। हाय हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहेब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दे, बहुत खूब पैगाम। हाथ उठा के किस किस को मेरे नबी से प्यार है? जी मैं जानता हूँ कोई दिल ऐसा नहीं होगा जिसमें मदीने वाले का इश्क नहीं होगा। जी जी बेशक, सभी के दिल में है ना। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो नौजवान वादा करें, हम दूल्हा बन के किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो लड़कियों से वेलकम नहीं कराएंगे, अगर वेलकम कराएंगे तो मर्दों से वेलकम कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मर्दों का इस्तकबाल मर्द किया करते हैं, और जिन मर्दों का इस्तकबाल औरतें करें वो मर्द किधर से रह गए भाई? जी है नहीं भाई, ये वादा करो आज के बाद हम ना अपने दरवाजे पे बेटियों से इस्तकबाल करने देंगे और ना हम किसी के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल कराएंगे। बेशक करेंगे ना इंशाल्लाह, ऐसा वादा करें इंशाल्लाह। मत करना, हुजूर को मुंह दिखाना है। जी हुजूर को मुंह दिखाना है। कब्र में हम इसलिए मुस्कुराते हुए जाते हैं कि मदीने वाले की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, यही तो अपना धर्म है ना। जी यही तो अपनी पूरी पूंजी, पूरी ताकत, सारा सरमाया ये है कि हमें हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। और अगर कोई दूल्हा जिद करे कि नहीं जी मेरा इस्तकबाल होना चाहिए, तो लात मार देना उस दूल्हा के, कहना हमें गैरत वाला दामाद चाहिए, बेगैरत दामाद नहीं चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हमें गैरत वाला दामाद चाहिए। बहुत खूब हजरत, ये हरकतें होती है। अल्लाह तौफीक देना तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तरबियत दे। हाँ एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। शादी की अगर बात करें तो जब तक खड़े होकर गधों वाला खाना ना हो ना, तब तक ना सेठ साहब की मूंछ पे रंग ही नहीं आता। कौन सा सिस्टम कहते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग में जो खाना होता। जी जी कैटलरी स्टैंडर्ड। हाँ बफर सिस्टम भी कहते हैं, कैटलरी भी कहते हैं, गधों वाला सिस्टम भी कहते हैं, बैलों वाला भी कहते हैं। भाई चल फिर के खाना इंसानों का तरीका तो है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैं वैसे तो मना नहीं करता, जिनके पास नहीं है भाई जगह बारात को बैठाने की, ठीक है आप इस्तकबाल इंतजाम मैरिज हॉल में करें। कोई मैरिज हॉल बैठा हो वाला बैठा हो तो बुरा ना मानियो, मैं आपके बिजनेस में आग लगाने नहीं आया, मैं अपनी कौम की गैरत जगाने की बात कर रहा हूँ। बेशक बेशक, ये होटलों के खाने अल्लाह माफ करे, एक ही टेबल पे मर्द औरत सारी एक ही जगह जमा, सारे जमा, लेकिन अभी हमारी विलायत विलायत पे दाग नहीं आया है, सारे वली बनी बैठे। हाँ सोचो तो सही, बेटियां मैरिज हॉलों से रुखसत हो रही, वो दिन कितने अच्छे थे जब बेटियां अपने दरवाजों से रुखसत घर से। और तौफीक अगर रब देना
तो बेटियां दरवाजों से रुखसत करना जी, इसलिए कि जब बेटियां घर से रुखसत होके जाती हैं ना तो दीवारें दुआएं देती हैं जी, छतें दुआएं देती हैं, सुभान अल्लाह, सहन दुआएं देता है। वो कहता मालिक इसे सलामत रखना, इसने तिलावत से मुझे आबाद रखा, सुभान अल्लाह। जमीन कहती है मालिक इसे दुख ना देना, मालिक इसे दुनिया की आफतों से बचाना, ये जब तक मेरे ऊपर थी ना सजदों से मुझे आबाद करती रहती, सुभान अल्लाह। जब बेटियां घरों से रुखसत होती हैं तो दीवारें दुआएं देती हैं जी। हमारी तो गैरत का जनाजा ही निकल गया, घर में लगाया ताला जी, और सारे मेरी जाल में है, और घर ऐसे जैसे शमशान। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, कुत्ते भौंक रहे हैं घर में, सारे मेरी जाल में बैठे जी, और वहां जहां इमाम भी नहीं पहुंचता वहां कैमरे वाला जाता है जी जी, इमाम जाता है तो पर्दा होता है जी, ऐसे करके लगा दिया जाता है उसकी तरफ से, बेटी कबूल है जी, ऐसे लगा के, यही हाल है, और कैमरे वाला सारे पर्दे हटा के अंदर तक जा रहा है। गैरत मर नहीं गई हमारी, इसे तारीफ समझते हो, ये बेगैरती की सबसे पहली सीढ़ी है जी, बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। तुमने अपने घर का जनाजा खुद निकाल दिया इज्जत का, वो कह रहा वो वीडियो जरा मेरे मोबाइल पे भेज दियो, जिस पार्ट में मैं खड़ा हूँ वो भी भेज देना जी। तो बड़ी खुशी से बात किया, किसकी है, गुड्डू के शादी की वीडियो, मुन्नन के शादी की वीडियो, अच्छन के, बब्बन की शादी, गैरत कर, तुझे पता है तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो गई जी, बेशक, तू एक वीडियो समझ के बांटता रहा, ये तेरे घर की इज्जतें बढ़ती रही। आग लगा दो ऐसों को जो सिर्फ फैशन के नाम पे, नामवरी के नाम पे बच्चियों को नंगा कर देते हो, ऐलान कर दो इस्लाम ये कहता है हमारी बेटी को अगर देखेगा दुल्हन बनने के बाद तो सबसे पहले उसका शौहर से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। शादी के कैमरे बंद करो, समझ गए ना, किसी भी शादी में बहन बेटी की वीडियो ना बनवाना जी। हाँ, कितने घरों की इज्जतें उछल जाती हैं सोच भी नहीं सकते, इसलिए ये भी बंद होना है, खड़े होकर गधों की तरह खाना भी बंद होना है। कह रहा जो कभी ना सुना वो अब सुनने मिलता, कह रहा मौलाना 36 क्विंटल मुर्गा उठ गया जी, 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 जी। कितना, कई कई को 100-100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं अब, है ना जी, 100-100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। कह रहा शुक्र है 100 क्विंटल उठ गया, कमी नहीं पड़ी, और जब सुबह को सफाई हुई ना तो 50-100 क्विंटल कचरे के डब्बे में मिला, डाला गया जी, डस्टबिन में। क्यों क्यों कि ये जितने खड़े होके खा रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो फेंकते हैं, कभी इनके घर जाके देखो ये गोश्त का छीचड़ा भी फेंकने नहीं देते जी, बेशक। बीवी को डांटते हैं तुझे पता है ये 60 रुपए का लाया हूं, हक बात है, इसे भी डाल के भून दे जो होगा देखा जाए, यही हाल है जी हजरत, हकीकत है। ये छीचड़े खाने वाले लोग किसी बेटे की बेटी की बाप की मेहनत से लाया हुआ खाना क्या जाने जी, हक बात है, फेंक देते हो। मैंने कहा सुनो चैलेंज है मेरा, जिसकी शादी में 100 क्विंटल उठता हो इंशाल्लाह 75 क्विंटल में काम बनेगा जी, बिल्कुल। कहने लगे मौलाना वजीफा क्या है, मैंने कहा जमीन पे टेबल लगा, सुर्ख दस्तरखान बैठा आए है, और कह दे जो मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे बैठ के खाएगा उसी को खिलाया जाएगा, खिला के दे खड़े हो के 100 क्विंटल कम पड़ेगा, सुन्नत के तरीके पे खिला अल्लाह 75 क्विंटल में 100 क्विंटल की बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, बैठ के खाया करो, बैठ के खिलाया करो, जो खड़े होके कहना कहना उधर भाई हमारा अस्तबल है, वो भैंसों के उसे क्या कहते हैं भाई, ना भैंसे बनती है जी, तबेला, तबेला तो घोड़ों का होता है, भैंस वाला जो वो भी होता है भाई, कहना उधर हमारी नांदे बनी है उधर जाके खा लो जी जी जी, हाँ जो भी कह लो, हाँ घेरी हाँ हवेली वगैरह, खाने को शादी पे बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह जी, बेशक बेशक, इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जितनी गलत रस्में इनका जनाजा निकालो, तुम जानते हो जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना उसे जहेज की इतनी फिक्र नहीं होती, उसे बेटी के जेवर की इतनी फिक्र नहीं होती जी, उसे
अपनी बेटी के सामान की उतनी परवाह नहीं होती है जितनी फिक्र उसको खाने की होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी बेटी वाले से पूछना, जितनी देर खाना चलता है ना बारात का जी, उतनी देर बेटी वाले के मुंह से अल्लाह अल्लाह लाज रख लेना, लाज रख लेना, मालिक कुछ कम ना पड़ जाए। पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलेंगे, अल्लाह रोटी कम ना पड़ जाए, पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, गोश्त कम ना पड़ जाए, बेटी रुसवा होगी। जब तक आखिर तक खाना चलता, वो बेचारा किसी कोने में एक मुजरिम की तरह खड़े होकर के ना एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो किसी को कम तो नहीं पड़ गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गया। खुदारा जब तुम्हें पता चले कोई बेटी को रुख्सत कर रहा है, उसने खाने का इंतजाम किया है, मैं अक्सर कहता हूं आधा खाना घर खा के जाया करो जी, और आधा खाना बेटी वाले के घर खाया करो, ताकि तुम्हारे दो लुकमों से उसका दिल रह जाए और आधे खाने से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात जी सर, ये सबसे बड़ी बात है जी जी, आधा खाना खा के जाओ। मगर नजर लग गई हमारी कौम को किसी की, दावत एक की है, तीन तीन मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे जी जी जी। वो तो बस नहीं चलता, पुलिस वालों के डर से तीन ही बैठे हैं, वरना हमारी कौम दावत वाले दिन तो डंडे बांध ले मोटरसाइकिल में। हाँ कह रहा कल वली मां, तो कह रहा अम्मा आज खाली दूध दे दिए, कल वली मां कल बरात है जी, दूध पी के सो गया ताकि कल को रोटी ज्यादा खाए, ऐसा ना किया करो जी जी। छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े रुतबे दे देती हैं, ये याद रखना। छोटे छोटे काम अल्लाह के करीब कर देते, किसी की जिल्लत का सबब ना बनना, अगर हो सके तो किसी की इज्जत का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा हया खाने वाला, खाते ही उठते मुंह में तीली डाल के कह रहा सब कुछ ठीक है, खाली तेल कम रह गया। हाँ ठलुए खाने में ऐब निकालने वाले लोग, जिनके अपने घर में कभी हल्दी ज्यादा कभी लहसुन जी, वो बरात के खाने में कह रहा सब कुछ ठीक था, नमक तेज, नमक तेज था। वो देखना गौर से, दो चार प्लेटें खा के उठा, नमक तेज था तो जी, नमक सही होता, नमक सही होता तो कितनी खाता जी, बेशक। ये ना किया करो, अगर किसी बेटी के बाप के खाने में नमक ज्यादा है या किसी चीज की कमी रह गई है और कोई तुझसे पूछे कैसा है, तो ये ना कह सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा है, तेल कम था, मसाले कम रह गए, मजा नहीं आया, वो तेरा तो पेट भर ही गया है। अगर तू इतना कह देता, रब का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना गए, खुदा की कसम तेरे इतने जुमलों से गरीब का सीना चौड़ा हो जाता, वो समझ लेता मेरी मेहनत रंग लाई है। इधर गरीब मुस्कुराता, गुम्बदे खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, सरजमीने तेवर खास, सरजमीने तेवर खास, नारे तकबीर, नारे आवाज आती है बरेली से, आवाज आती है बरेली से, आवाज आती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मौल चुकाए, अपना हाथ ही खाली, अपना हाथ ही खाली जी। ये जितनी बातें मैंने कही है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस पूरे तेवर खास में यह आम ऐलान कर दो, आज के बाद बरातों में खाना खड़े होके नहीं, मुस्तफा के बताए हुए तरीके से बैठा के खिलाया जाए जी, बेशक इंशाल्लाह। अगर कोई कहे हमें खड़े होके चाहिए, कहना यहां जानवर नहीं बुलाए जाते, यहां इंसान बुलाए जाते हैं। ठीक है जी, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं जो मैं बात कर रहा था, वक्त मेरा पूरा हो चुका है। हुजूर ने पूछा कैसी गुजरती है, कहने लगे नहीं मिलती है तो सब्र कर लेते हैं, मिल जाती है तो शुक्र कर लेते हैं। अभी ये बात सुनी थी गुलाम की, हुजूर की आंखें बरस गई। जब महबूब की आंखें नम हुई, जिब्रील आ गए। महबूब रोने की वजह का, जिब्रील मेरे गुलाम का फाका सुना ना तो आंसू आ गए। जिब्रील कहते हैं महबूब रब ने मुझे भेजा है, और कहा महबूब से कह दो जिसके लिए आंसू बहा रहे हो ना, बस ये कल दोपहर तक का मेहमान है, कल दोपहर तक का मेहमान है, कल दोपहर में इसका इंतकाल हो जाएगा जी, दोपहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। महबूब ने इतना सुना ना, फिर बेकरारी और बढ़ गई।
कहने लगे बड़ा गरीब है तू, बता तेरी कोई ख्वाहिश है? कहा जी। कहा क्या? कहा हुजूर मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। हुजूर मीठा कोई चीज होती है? सुना है, तमन्ना है काश मीठा खाने मिल जाता। हुजूर ने इतना सुना, आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। हजरत उस्मान गनी आ गए, महबूब हुक्म फरमाए। फरमाया उस्मान गनी अपने खजाने से ना मेरे गुलाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का मीठा तैयार किया जाए। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश? रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना और थी। कहा क्या? मेरी ख्वाहिश थी काश मेरा निकाह होता, मेरी भी बीवी होती। या रसूल अल्लाह जब दुनिया सो जाती ना तो वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता, वो भी रब को रो के दिखाया करती, मैं भी रब को रो के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सी तमन्ना का निकाह नहीं हुआ। हुजूर गरीब समझ के कोई बेटी नहीं देता। महबूब ने फरमाया कोई बेटी है तुम्हारे खानदान में जो शादी की उम्र की हो? कहने लगे हुजूर है ना मेरे चचा की बेटी। फरमाया आपने उनसे नहीं कहा? का हुजूर गरीब होने की वजह से उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। अब सुने मेरे महबूब क्या कहते हैं। फरमाया जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने बुलवाया जी। कहने लगे मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने इस गुलाम से करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? इतना सुना गर्दन झुक गई। कहने लगे हुजूर बेटी की बात करते हमारी जान के मालिक भी आप हैं, हमारी औलाद के मालिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नहीं देखा सामने गरीब है कौन है। महबूब का फैसला था मंजूर, हुजूर मर्जी। फरमाया फिर इंतजार नहीं, अभी इसी महफिल में निकाह होना है। हुजूर ने निकाह पढ़ा, इसी वक्त रुखसती हुई। मालूम था कल तक इंतकाल होना है, उसी वक्त महबूब ने रुखसती कराई। अगले दिन फजर बाद गुलाम को भेजा एक अपने सहाबी को, जाओ फला के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, रोने की आवाज आ जाए ना तो दौड़ के मेरे पास आके बताना। वो जाके बैठ गए, फजर से जोहर तक बैठे रहे, कोई आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज फिर हुजूर के पीछे पड़ी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आका कोई नहीं रोया, सारे ही खुश हैं घर के अंदर। फरमाया फिर जाओ, जोहर से असर तक बैठे रहे, फिर असर पड़ी आके बताओ। का हुजूर अब भी कोई नहीं रोया। महबूब परेशान हुए, फिर सजदे में सर रख दिया। मालिक जिब्रील ने मुझे बताया था ये कल दोपहर तक का मेहमान है, मालिक असर हो गई है, अभी तक जिंदा है, राज क्या है जी? इतना कहा जिब्रील आ गए। कहा महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भेजा है। कहा क्या पैगाम लाए हो? कहा आप ये सोच रहे हैं ना कि इसको दोपहर तक जिंदा रहना था जी, ये असर तक कैसे बाकी है? कहा हुजूर जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन महबूब बात यह है ना, आपके उस्मान ने हलवा बनाया था जी, और जिंदगी में पहली बार इसको हलवा मिला था। ये मियां बीवी शुक्राने के बाद जब दस्तरखान पे बैठे वही हलवा रखा था, घर में कुछ और था भी नहीं, आका भी पहला लुकमा नहीं खाया था, जबकि जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी इसका हलवा खाने की। का जैसी खाने का इरादा किया दरवाजे पे आवाज आती है, ए घर वालों खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दिया जाए। का जैसी रब का नाम आया है इसने बीवी के चेहरे की तरफ देखा, का शरीक हयात मेरे रब के नाम पे कोई मांग रहा है, पता तेरी क्या राय है? तो बीवी ने कहा था शौहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। महबूब जब इतनी बात आई है इसने हलवे का एक लुकमा नहीं खाया, उंगली तक नहीं लगाई, ये भी नहीं कहा चख लेते हैं, ये भी नहीं कहा कुछ खा लेते हैं, का सारा उठाया फकीर के हवाले कर दिया। का महबूब जब फकीर के हाथ में हलवा आया उसने हाथ उठा के कहा मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना। का महबूब ये तो दोपहर तक जिंदा रहना था, लेकिन वो जो दरवाजे पे आया था वो ये कह के गया है मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना, अगर मौत आ जाती तो खुशियां उजड़ जाती, ए मुस्तफा सबसे प्यारी चीज मेरे नाम पे दे दी, इसलिए मैंने इसकी मौत को इसकी जिंदगी में बदल डाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत, बहुत मस्जिद में वो दो
जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो। जी आज के बाद किसी गोलक में कोई फटा नोट नहीं निकलना चाहिए इंशाल्लाह। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिद वालों से मोहब्बत करो, अपने इदारों को मजबूत करो जी, अपने मदरसों के शाना बशाना खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। अपने उलमा से कह दो दीन बांटना तुम्हारा काम है, जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। अब वक्त है हमें अपने दीन को अपने बच्चों तक पहुंचाना है, अपनी नस्लों तक पहुंचाना है जी। हमें बताना है हमारा दीन कितना खूबसूरत है, हमें इन्हें समझाना है हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूं इन्होंने दीन समझा ही नहीं। जिस दीन के अंदर रास्ते में गिरी पड़ी चीज जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है, ठोकर लग सकती है, बंदा उसे हटा दे तो अल्लाह उसके बदले में भी नेकी अता फरमाए जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दीन इतना प्यारा हो यार, उस दीन को समझने की जरूरत है, उस दीन को सीखने की जरूरत है। महबूब ने कितना प्यारा निजाम बांटा, कितना प्यारा निजाम दिया। फरमाया अगर तुम कभी गोश्त लेके आओ ना, तो फरमाया गोश्त बनाओ तो कम से कम इतना बनाना कि पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए जी, और अगर इतना ना बना सको ना तो ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पड़ोस में गरीब हो और तुम्हारे गोश्त की खुशबू से उसके बच्चे गोश्त की तमन्ना करें और बाप पूरी ना कर सका तो बाप का दिल टूट जाएगा जी। जो दीन लोगों के एहसासात की हिफाजत करता है, वो दीन इंसान की हिफाजत क्यों नहीं करेगा जी। बेशक हमें अपना दीन समझना है, अपना इस्लाम समझना है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ्फा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जैसा तुम्हारा जाहिर है वैसा तुम्हारा बातिन होना चाहिए, जैसे बातिन के दावे हैं वैसे तुम्हारा जाहिर होना चाहिए। कोशिश ये कर लो मेरे भाई कि दीन आम करो, शरीयत आम करो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का किरदार सिखाओ। कोई बड़ा नहीं है, बड़ी रेसें लग रही हैं एक से एक आगे जाने की कोशिश में, कह रहा मेरी कोठी ऊंची हो जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। तुम नहीं जानते ऊंची करने वाले जमीन में घुसड़ गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जिन्होंने अपने नफ्स को मिटा दिया, अपने वजूद को बिल्कुल नीचा कर दिया, अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, खुदा की कसम लेटा अजमेर में है, नारा हर घर में लग रहा जी, है। लेटा बरेली में है, हर सीने में इमाम अहमद रजा के नाम की शमा चल रही है उनके इश्क की। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मौला करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा।